बीजेपी हो जाए कांग्रेस सरकार ही एक ही कोड के पीछे चलती है सरकार। तो ढाई साल राज प्रया होता है, एक आता है एक जाता है। सवाल तो आम जन का है ना, गधा स्टैंड है, टेम्पू स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड है, बस स्टैंड है, मनुष्य के लिए कोई स्टैंड नहीं है सरकार के पास। आज सुनवाई नहीं हुई, आज ये धूप तप रहे आपके सामने, ऊपर से 11 बज गए देख लो। साया साथ है और कहीं साहब है, हमको साया और पानी भी नहीं, ना कहीं भी व्यवस्था नहीं है। पहुंचाया नहीं ना करने को लिख दिया हमने, यहाँ पंगा करके हम खेल लड़के बैठे हैं, फिर भी जीत के बैठे हैं। हम रोड के राजा हैं, सरकार से हथियार से लड़ सकते, सरकार से हम रोड से लड़ेंगे। यहाँ मजदूरों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं और मजदूरों को परेशान किया जाता है, यहाँ बैठन नहीं देते। कई जो चौकी पे काम कर रहे हैं ना गरीब, जो बाहर के लोग हैं, इनके लिए कोई ऐसा काम सरकारी चले तो उनमें इनके लिए भागीदारी होनी चाहिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में विधानसभा चुनावों की तैयारी तो चल रही है और सरकार राजस्थान की जनता को तमाम योजनाएं देने की वादे कर रही है, और जनता का एक बड़ा वर्ग होता है जिस पर एक बड़ा काम करता है मजदूर वर्ग, वो अपनी मेहनत करता है, उसके बावजूद भी ऐसा कहा जाता है कि उनके लिए ज़्यादा फायदा सरकार पहुंचाती नहीं है, और एक वही ऐसा वर्ग है जो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। तो ये सारी बातें चलती रहती हैं, सरकार वादे दावे कर रही है, लेकिन यहाँ पर हम जानने की कोशिश करें क्या वाकई में वो सरकार की योजना से खुश हैं, और आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद में अगली सरकार से उनकी उम्मीदें क्या हैं, यही जानने की हम कोशिश करेंगे। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये चाहती है, गर्मी पड़ती है नहीं, फ्रिज नहीं लगता पानी का फ्रिज नहीं लगता। हाँ ठीक है, इसके अलावा और कोई समस्या? और नहाने धोने का सभी है। अच्छा, अभी कोई व्यवस्था मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा। आपको? कुछ नहीं मिल रहा। कोई उम्मीद है सरकार से? उम्मीद तो है, गरीब आदमी फुटपाथ पे रहते हैं, उनको नहाने धोने का है, उन्हें उनको जो गरीब आदमी को खाने परेशान रहते हैं, ऐसी बात है। चलिए ठीक है, और कुछ सरकार जो भोजन वगैरह देने की बात करती है, वो कोई व्यवस्था मिलती है आपको? नहीं मिलती है, मिलती है। आम जनता करती है व्यवस्था, ये सरकार कोई नहीं कर रही। सरकार कोई नहीं करती। आपको पता है कि केंद्र सरकार की योजना है श्रम योगी, उसका कोई फायदा मिल रहा है? कोई फायदा नहीं मिल रहा। कुछ नहीं मिल रहा, नहीं पता। चलिए ठीक है, आप क्या चाहते हैं सरकार से? कुछ नहीं चाहता मैं तो सरकार से, मैं तो मेहनत करना चाहता हूँ, बस मेहनत करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, क्योंकि वही बात है। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार जो कहीं का पेट पर बचाओ और कहीं जब पेट तो भर है, दावे और वादे किए जाने की हम योजनाएं लेकर आएंगे आम जन के लिए। काम पर धंधा पाओ, धंधा ही नहीं मिलता, क्या कर कहीं क्या आएगा? यहाँ धंधा ही नहीं मिलता। फिर भी कोई उम्मीद है सरकार से? बीजेपी सही लगती है या फिर कांग्रेस? वह तो सब बढ़िया हमारे लिए, तो सब बढ़िया हमारे लिए ना, सरकार है ना, आप अपना धंधा देखते हैं, लेकिन हम गरीब आदमी हम कहाँ जाएंगे? मेरी बात सुनो, हम जनता है, कहाँ भी हम भूखे प्यासे सोते हैं, कहाँ भी पानी मिलता भी नहीं, वो नसीब में भी नहीं मिलता कोई, वो गर्म पानी या तो गर्म पानी पीते हैं, उस समय हम बुखार सेव करते हैं। अच्छा, पानी की समस्या है सबसे ज़्यादा। चलिए ठीक है, आप क्या चाहते हैं? मैम यही चाहते हैं कि मतलब सबको धंधा रोजगार मिले, हमारे लिए तो बीजेपी भी सही है, कांग्रेस भी सही है, अब हम लोगों को तो धंधा पानी मिले, बस धंधे के लिए आए हुए हैं, इनको धंधा पानी मिलना चाहिए। ऐसी कोई समस्या जो खासकर आपको उठानी पड़ती हो? बहुत सारी उठाने में तो सब कुछ है, कोई फ्रिज की व्यवस्था है यहाँ पे, इतनी सारी जनता रहती है ना, तो इनको नहाने धोने का इनको कंप्लेन नहीं, लेटरिन बाथरूम नहीं है, चौकी पे आम जनता प्रेस होने के लिए डंडे वगैरह में जाते, क्या करते बेचारे, भगा देते इनको, परेशान है सारे गरीब आदमी यहाँ पे, जनता पूरी जनता सुबह सुबह चौकटी भरी हुई रहती है, जो चौकटी वाले बेचारे इधर उधर भगते रहते हैं, इनको पानी नहीं मिलता है, गर्म पानी पीते हैं, इनको तकलीफें हो रही है। मेन बात तो यही है कि मतलब यहाँ पे कोई एक फ्रिज लगाई है, कोई लेटरिन बाथरूम की इनकी व्यवस्था करो, अब ये इसके लिए जनता थोड़ी इनको समाधान करो। चलिए ठीक है, सरकार बड़ी बड़ी बातें तो करती है और बड़ी बड़ी दावों की बातें करती है, लेकिन इनकी जो समस्या बड़ी छोटी मोटी समस्या है, पानी को लेकर और जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं उन्हीं को लेकर है इनकी समस्या है, और इसके अलावा भी कुछ लोग हैं। आप कुछ चाहते हैं सरकार से? कुछ नहीं चाहते। देखिए ये तो शांति नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सवाल ये उठता है कि आखिरकार में इन योजनाओं का जो सरकार तमाम दावे और वादे करती है उनका असर क्या होगा जनता पर, और क्या वाकई में वो काम करेंगी, क्योंकि देखिए समस्याएं सबकी अलग अलग होती हैं। आप क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार यार दे किसको क्या है, केवल शाम का फार्मूला बनाती है, दूध बदल जाती है। आम जन के लिए सरकार ने क्या दिया? आज रात कैंप लग रहे हैं, ये रात कैंप जो आज के 40 साल पहले थे APL BPL उसी में डाला जा रहा है, बाकी अन्यथा गरीब और आम आदमी को कुछ नहीं मिल रहा है, नहीं इसमें मिलने वाला है। आज मान लो जयपुर में हमारे 3200 रुपया लगती है, लेकिन इन गरीब मजदूरों के लिए संगठित के प्रवासी आदमी बाहर के आए हुए हैं,
इनके लिए पानी छह शौचालय की बेइज्जत तक नहीं है। तो उम्मीद क्या है सरकार से, बीजेपी से ज्यादा उम्मीद है या फिर कांग्रेस? तो बीजेपी हो जाए कांग्रेस सरकार ही एक ही कोड के पीछे चलती है सरकार। तो ढाई साल राज पर्याय होता है, एक आता है एक जाता है। सवाल तो आम जन का है ना। तो आप क्या चाहते हैं कि क्या करना चाहिए? ये कि जो जो गरीब वस्तु के आदमी है, जो नीचे स्तर के जनजीवन है, ये वाले मनुष्य है। हरे आदिवास गधा स्टैंड है, टेम्पू स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड है, बस स्टैंड है। मनुष्य के लिए कोई स्टैंड नहीं है सरकार के पास। और जब चौकटी चौपाल लगती है, दो रोटी रोजगार या जो मांगते हैं पेट पालन के लिए या पड़े हैं, उनके लिए एक छाया पानी शौचालय ये तक की व्यवस्था नहीं है। कई दफा नगर निगम और कलेक्टर को लिख कर दिया, इसी को लिख कर दिया हुआ है। आज सुनवाई नहीं हुई, आज ये धूप तप रहे आपके सामने, ऊपर से 11 बजे देख लो। कोई काम धंधा भी नहीं है। आप कुछ चाहते हैं सरकार से? साया चाहते हैं और कहीं जावे हमन को साया और पानी भी नहीं ना, कहीं भी व्यवस्था नहीं है। तो अभी कहाँ से आप ऐसे पानी? 200 फुट से पानी की व्यवस्था यहाँ पे आसपास कहीं कुछ नहीं है। ये 200 फुट से नहीं है, इनका जिला बुढ़ा। मैं राजस्थान निर्माण मजदूर यूनियन का अध्यक्ष हूँ, महिंद्रा शेज कलवाड़ा का रहने वाला हूँ। सूरज मल मेरा नाम है, कालू जी का नाम से पूरा मुझे प्रशासन जानता है। अच्छा, ऐसी बात है। तो आपने प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचाया नहीं? नगर निगम को लिख कर दिया हमने, यहाँ पंगा करके हम केस लड़के बैठे हैं, फिर भी जीत के बैठे हैं। लेकिन हमें दिया क्या, यहाँ जो हमारे को जगह छुड़ा दिया, वहाँ शौचालय तक नहीं बना, वापस आके बैठ गए। हम रोड के राजा है, सरकार से हथियार से लड़ सकते, सरकार से हम रोड से लड़ेंगे, रास्ता मोटा रास्ता। इस बार क्या मूड है आपका? बार क्या मूड है विधानसभा चुनाव? इस बार का मूड यही है कि जो जन की जनता की जन सेवा का सहयोग देखा, आश्वासन से कुछ नहीं होने वाला नहीं है। महाराण जितना बेटा बेटी रोएगा उतना ही बोबा मिलेगा। ये आम जनता को भी सबको कहता हूँ कि बार कोटा जितना करोगे, हिम्मत करोगे, रोड में पड़े रहोगे जामे को, तो ये सरकार देने वाली है, नहीं अन्य किसी को कुछ देने वाले नहीं है। चलिए ठीक है, आप क्या चाहते हैं? आप कुछ नहीं चाहते? आप क्या चाहते हैं? कुछ नहीं। आपसे क्या क्या उम्मीद है सरकार से? यहाँ मजदूरों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं, और मजदूरों को परेशान किया जाता है, यहाँ बैठन नहीं देते। और क्या नाम है, बाहर से लोग वाग आते यहाँ के पर, लोग वाग परेशान करते, धक्का मुक्की करते और परेशान करते गरीब लोगों को। और ठीक है, परेशानी तो बहुत है सभी लोगों को, देखिए क्योंकि उम्मीदें हैं वो होती ही हैं सरकार से, और चाहते हैं कि जो आम जनता है उसकी सरकार सुने। आपकी कुछ उम्मीदें हैं सरकार से? कोई उम्मीद नहीं है, सरकार ही फेल ही है। फेल ही है? तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार होनी चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी क्यों? वो काम सही करती है। काम सही करती है। उम्मीदें क्या है बीजेपी से? सब व्यवस्था ठीक हो जाएगी, ये कांग्रेस तो खराब है सरकार। कोई फायदा नहीं हुआ। चलिए ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं? कुछ नहीं। आपको कोई उम्मीदें हैं? कुछ नहीं है। देखिए मजदूरों के बहुत ही छोटी मोटी बातें होती हैं जो कि वो चाहते हैं कि हो, और बहुत ही मूलभूत सुविधाएं होती हैं जिनकी वो बातें करते हुए नजर आते हैं। आपकी कोई उम्मीदें हैं सरकार से? कुछ चाहती हैं? काय चाहवा भाई, कुछ नहीं चाहते? चाहवा तो सभी है, बतावड़ा में डोल रहा पर रहा, तो मान लो मजदूरी चाहिए। मजदूरी चाहिए, और इसके अलावा कोई उम्मीद है? और कोई उम्मीद है आपकी भाई? और काय बताओ, आप क्या चाहते हैं? मैडम जी, यहाँ शौचालय चाहिए, लैट्रिन बाथरूम चाहिए, जो सरकारी काम चला है ना बिल्डिंग का बड़ा बड़ा, उनमें इन लोगों को लगाना चाहिए। अच्छा, लगाना चाहिए। देखो मैं भी गरीब इनके लिए सरकारी ऐसी के जो चौकी पे काम कर रहे हैं ना गरीब, जो बाहर के लोग हैं, इनके लिए कोई ऐसा काम सरकारी चले तो उसमें इनके लिए भागीदारी होनी चाहिए। चलिए ठीक है, देखिए ये लोग वही है कि भागीदारी मांग रहे हैं अपनी, और यही उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार को सोचना चाहिए। बिल्कुल, जो भी व्यवस्थाएं होती हैं, वो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो इन तक पहुंचानी चाहिए। सारी बातें वो चली रही हैं, लेकिन वहां पर जहां बात होती है सरकार की, तो वोट बैंक के नाम पर है एक बड़ा, ये जो वोट बैंक माना जाता है मजदूर वाला, और इसके अलावा किसान है, वो एक बड़ा वोट बैंक होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार तमाम दावे और वादे करती है, लेकिन फायदा कुछ नहीं होता। तो ऐसा लगता है कि ये जो दावे और वादे हैं वो नाममात्र के ही रह जाते हैं, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल पर हम पहुंचते तो वहां तक उनका लाभ नहीं मिल जाता। और इनकी बहुत ही बेसिक सी प्रॉब्लम्स हैं जो चाहते हैं कि सरकार इनकी मूलभूत सुविधाओं को इनको प्रोवाइड करवाए ताकि उन्हें इसका फायदा मिले। तो ये सारी चीज़ें वो चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि चुनावों से पहले क्या इनकी समस्याएं वो खत्म हो पाती हैं, क्या सरकार सुनती है। उम्मीद तो बीजेपी से भी है, कांग्रेस से तो उन्होंने कहते कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते कि कांग्रेस हो या बीजेपी, सभी सरकार एक जैसी होती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या इस वर्ग की तरफ भी सरकार का ध्यान जाता है, ये सबसे बड़ी बात होगी। तो बने रहे द फैक्ट इंडिया के साथ, कैमरामैन अभिजीत शर्मा के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताजा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।